हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपू कुश। और आज हम बनाने वाले हैं व्हाइट सॉस पास्ता। मेरे ख्याल से व्हाइट सॉस पास्ता शायद ही कोई होगा जिसे पसंद नहीं होगा। ऑलमोस्ट सभी लोग पसंद करते हैं, बस हाँ थोड़ा ये होता है कि हम घर पे मतलब प्रॉपर वो रेस्टोरेंट जैसा तो नहीं बना पाते हैं। बहुत लोग शायद बना भी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो स्टार्टिंग में मेरे से भी कुछ खास नहीं बनता था, बट हाँ फिर भी अभी 8-10 बार तो मैंने बना ही लिया होगा और फिर भी काफ़ी अच्छी तरह से बन जाता है। तो आज सोचा क्यों ना, संडे भी है, मतलब आज संडे है तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज फ्री टाइम में तो थोड़ा उसको बना लेते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है बनाने में, बट फिर भी यार वीडियो अगर बनाना हो उसका तो यार टाइम तो लग ही जाता है। और प्लीज़ बिल्कुल भी ये मत सोचना कोई कि भाई मैं कुछ बहुत अलग बताने वाली हूँ या कुछ नहीं। यार मैंने भी वीडियोस देख देख कर ही सीखा है, 1000 बार, मतलब 1000 बार नहीं, सॉरी क्या बोल रही हूँ, मतलब जितनी बार भी बनाया ना, एक बार बनाने से पहले एक बार ज़रूर देख लेती थी यार, क्योंकि मेरे से वो जो व्हाइट सॉस होता है ना कभी भी सही नहीं बन पाता है। मतलब अभी काफ़ी हद तक सही बनने लगा है, बट फिर भी स्टिल मुझे लगता है यार कि अभी वो चीज़ नहीं आ पाती है जो एक मतलब रेस्टोरेंट में जब खाने जाते हैं तो वो चीज़ आती है। वो चीज़ मुझे अभी भी लगता नहीं आ पाती, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ क्योंकि यार उसका टेस्ट ना बड़ा ही औसम लगता है। और हाँ मुझे पता है बहुत से लोग कहेंगे यार भाई ये कौन सा कुछ नया दिखाने वाली है, ये भी तो बाकी वीडियोस की तरह होगा, इसने कौन सा बस कुछ तीर मार लेना। तो भाई साहब सब लोग, आप लोग सही हो, कुछ भी अलग नहीं दिखाने वाली हूँ, बट हाँ जैसा बनाती हो उसका एक वीडियो बना रही हो इसलिए बस, और कुछ नहीं। तो चलो फिर चलते हैं अपने मिशन की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना व्हाइट सॉस पास्ता बनाने की रेसिपी। Thank you.
भाई साहब एक गलती कर दी मैंने। पास्ता तो बना लिया लेकिन खाते वक्त की क्लिपिंग लेना भूल गई। अभी नया नया वीडियो बनाना सीखा है ना, तो बस याद ही नहीं रहा कि सब कुछ भी तो रिकॉर्ड करना होता है, सब कुछ पोर्शन रिकॉर्ड नहीं करना होता है। लेकिन मैंने पास्ता बनाया, मुझे लगा रे बनाने का तो वीडियो मैंने बना लिया, हो गया। उसके बाद मेरे को तो ऐसी भूख लगी उसे देख के, कहने का चलो वीडियो साइड में और उसे तुरंत अभी खा लेते हैं। तो बस खाने लग गई, जब ऑलमोस्ट ओवर होने वाला था तब मुझे याद आया कि अरे यार उसकी भी तो क्लिपिंग लेनी थी, ताकि लोग को लगे तो कि हाँ भाई जो बनाया था वो खाने लायक बना था। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे, क्या कर सकते हैं, अब ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा इस वीडियो को तो। ठीक है, क्या कह सकते हैं, लेकिन हाँ प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।